बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ सईदा शहबानो शरफ। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करें, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10 लाख रुपए मचल को केवल जमानत मंजूर की है। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। 14 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया और 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर हुई। पहली कुछ समातों के दौरान साइफर केस में सजा के खिलाफ ही समात हुई, जबकि दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 मार्च को पहली बकायदा समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया था। वाज़े रहे कि दीगर मुकदमात की वजह से बानी पीटीआई की अभी रिहाई नहीं हो सकेगी। 9 मई समेत साइफर केस, इद्दत केस जेरे समात है। आपको बता रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है।